देखिए गर्मी में चुनौती हमेशा ज्यादा होती है, पर इस बार अनप्रेसिडेंट जो है समर है और अनप्रेसिडेंट फायर हो रही है। हम लोग डेली के हिसाब से 200 का आंकड़ा जो है क्रॉस कर चुके हैं पर डे कॉल का, और ये पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। अब कभी भी अभी तक जो है 160-170 कॉल होती थी, 200 क्रॉस करना शुरू हो जाए, इस बार ये पिछले 5 दिन से हुआ है। और आप समझ सकते हैं 200 कॉल को अटेंड करना सारी को, हमारा जो काम है वो फिजिकल वर्क है। ऐसा नहीं है कि आप गए मैकेनिकल है गाड़ी में बैठे साइन कर दिया, नहीं हो गया, हमारा आदमी जाता है थकता है। तो वाकई इस टाइम सारे इक्विपमेंट सारी चीज स्ट्रेच हो गई है, मतलब हमारा आदमी भी स्ट्रेच है, इक्विपमेंट भी स्ट्रेच है। इट्स रियली टफ टाइम फॉर द लिफाइजर। सर पिछले अगर हम 5 महीनों की बात करें तो अब तक कितनी फायर की कॉल्स मिली है, कितने लोग घायल हैं, कितनी मौत है, ये आंकड़ा अगर आप बताएं। घायल का आंकड़ा तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पर इस मंथ में अगर आप कहें तो इसमें जो मई में है करीब जो है, अगर आप बच्चों को भी निकालें तो करीब 12 की लोग डेथ हो चुकी है फायर की वजह से, अगर हम ये बच्चे भी काउंट करते हैं जो अभी पर्सनल से हुई है। पर कॉल का आंकड़ा जो है बहुत ज्यादा है, मई के महीने में हमारी जो कॉल है 4000 से ऊपर हो चुकी है। और इसके अलावा सर इस पूरे कॉल के दौरान क्या कोई फायर कर्मी भी आप लोगों के घायल हुए हैं? नहीं, ऐसा कोई मेजर इंजरी अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है कि कोई फायर कर्मी हमारा घायल हुआ हो इस फायर के कॉल में। छोटी मोटी देखिए, ये हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें लगती रहती है, उंगली में चोट लग गई, कलाई में चोट लगी, शीशा तोड़ा लग गया, ये छोटी छोटी घटनाएं रूटीन में होती है, पर ऐसा भगवान के उससे अभी कोई मेजर कोई ऐसा बात नहीं हुआ। सर बड़ी फायर की बात करें इस पूरे महीने में हॉस्पिटल है, इसके अलावा कहाँ कहाँ सर? देखिए इस बार पता नहीं कैसे जो है जितनी भी बड़ी कॉल आ रही है वो इंडस्ट्रियल एरिया से आ रही है और गोडाउन एरिया से आ रही है। ये नरेला, मुंडका, बवाना, मंगोलपुरी, जो वेस्ट का एरिया जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया और गोडाउन से, वहाँ जितनी भी बड़ी कॉल हुई है आज तक अभी तक जिनमें हमें 24-24 घंटे लगे, 16-16 घंटे लगे, वो सारी कॉल जो है इस बार वेस्ट से आई है और सारी फैक्ट्री और गोडाउन से ही रिलेटेड है, और मतलब घर से रिलेटेड आप कहेंगे तो इस बार बचे हुए हैं। सर मुख्य तौर पर आग लगने की वजह क्या मान पा रहे हैं? देखिये ये हमेशा देखिए, अगर आप 20 साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे, गर्मियों में कॉल बढ़ती है, सर्दियों में कम होती है। सर्दियों में कॉल हमारे पास आती है करीब 70-80 कॉल पर डे और गर्मियों में 150 आती है, इस बार ये 200 हो रही है, मैंने जैसे पहले ही बताया। तो ये टेम्परेचर की वजह से कॉल बढ़ते हैं। आप देखिए इतनी गर्मी है, अगर कोई भी छोटा सा भी स्पार्क होगा और कोई जलने वाली चीजों की जल जाएगी, क्योंकि धूप में तब के वो ऑलरेडी इतनी हीटअप हो चुकी है कि जलने के लिए रेडी है। तो गर्मियों में हमेशा कॉल बहुत ज्यादा आती है, ये कोई इस साल की नई बात नहीं, इस बार क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो कॉल। और मैं ये भी आपसे अभी कह रहा हूँ, अगर 1 डिग्री भी और टेम्परेचर बढ़ा तो कॉल हमारी 250 हो जाएगी। तो सर इसके अलावा अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो फायर विभाग के पास कौन कौन सी ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका आप लोग इस्तेमाल करते हैं? देखिए अभी क्या है, जो हमारे यहाँ कॉल होती है जो कंजेस्टेड एरिया में ज्यादा होती है, आप अगर देखेंगे विवेक विहार, मुंडका, फलाना, ये अपना इसका जो ये वाला था अपना संगम विहार, इस टाइप की ज्यादा हो रही है। तो हमने जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हमारे पास हमने उसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो इंडिया में पहली बार फायर सर्विस ने खरीदे, हमने ड्रोन पहली बार खरीदा, वाटर टावर पहली बार हमने खरीदा, रॉबर्ट हमने खरीदे, बाद में लोगों ने शुरू किया। ये हमने इसलिए किए गए हैं कि देखिए मैंने जैसे कहा मेरा आदमी इस वजह से थक जाता है, तो जैसे वाटर टावर है आपने लगा दी तो जो काम 4 आदमी करते थे वो 1 आदमी कर सकता है, तो हम मेरी मेहनत बार बचती। रॉबर्ट हमने लगा दिया तो उसके बाद क्या है कि रॉबर्ट रिमोट से दूर से चलता है, 1 आदमी उसको ऑपरेट कर सकता है और 2-3 आदमी बच जाते हैं और रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काम बहुत ही फिजिकल वर्क है। ऐसे ही हमने अभी जो है 24 गाड़ियां खरीदी हैं छोटी जो कि गलियों में जा सके, उनपे एक नई टेक्निक आई है हाई पावर मिस्ट सिस्टम जो कम पानी में ज्यादा गुजरता है, हम उनको तैयार कर रहे हैं तो 4-6 महीने वो भी तैयार हो जाएंगी, तो गलियों में जाने में हमें आसानी हो जाएगी बहुत और हम फायर को बहुत अच्छे से बचा सकेंगे। सर इसके अलावा देखिए एक तो हमारे यहाँ सभी जगह बोरवेल है, फिर हमारे जितने मेट्रो स्टेशन है उनसे पानी लेते हैं, अगर वेस्ट में होती नहर से लेते हैं, तो जो जो भी पानी के सोर्स हैं उनसे पानी को ड्रॉ किया जाता है। हर जगह में हमारे यहाँ एक वाटर यूनिट होती है, वो जहाँ भी आग लगती है बड़ी उस जगह में पानी के सोर्स को ढूंढते हैं और वहाँ पंप लगाती है और फिर वहाँ से गाड़ियां भरते हैं। ये दिक्कत तो है, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा कि मैं तो ये मानता हूँ दिक्कत है, पर हमें इन दिक्कतों का जो हमारे पास संसाधन है उसी का यूज करके बेस्ट उपाय करना है। जिस तरह से अस्पताल में आग लगी उसके बाद क्या स्थिति, कौन कौन सा हॉस्पिटल के साथ एनओसी है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? ये हमारा काम नहीं है, ये डायरेक्टर जनरल सर्विस का काम है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो हमें बताया कि ये नर्सिंग होम चल रहे हैं, बिकॉज हमारे पास ना तो कोई फील्ड स्टाफ होता है ना कोई ऐसा सिस्टम होता है,
मेरे पास सिर्फ ऑफिस है और फायर स्टेशन है, तो अनलेस समबडी इन्फॉर्म मी आई विल नॉट बी इन पोजिशन टू गो इंस्पेक्टेड। इतना मैन पावर भी नहीं है ना हमारा ये काम है। देखिए अभी जितनी भी फायर हो रही है वो 70% फायर इलेक्ट्रिक की वजह से होती है, और मैं इस हर प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूँ, अगर आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, इसकी हेल्थ ठीक है तो फायर का जो चांसेस बहुत कम है। ऑफिस में, घर में फायर दो ही वजह से लगती है, या तो ह्यूमन नेगलिजेंस, आप चाय बना रहे थे, हीटर जला छोड़ दिया गर्मी में, एसी चलता छूट गया, ठीक है, या आपकी इलेक्ट्रिक में शॉर्ट सर्किट हो गई, एसी चल रहा था, आपने एसी की सर्विसिंग नहीं कराई, फ्लक्चुएशन हुआ, वो उससे एसी फट गया। जैसे अभी मैंने कहीं देखा था कि यूपी में हुआ, एक एसी फट गया ज्वेलर्स की दुकान में, दो फट, तो एसी क्यों फटा? आपने सर्विसिंग ठीक नहीं करी, आप उसको 18 पे चला रहे हैं, तो लोड यू आर पुटिंग मोर बट इट इज नॉट एफिशिएंट, ठंडा हो नहीं रहा, बार बार रूम खुल रहा है। तो ये अगर आप इलेक्ट्रिक सर्विस, जो आपका इलेक्ट्रिक सिस्टम है, आप एक इक्विपमेंट को, जैसे हॉस्पिटल है, अब वहां पे पेशेंट है तो आप एसी तो बंद कर ही नहीं रहे, क्योंकि पेशेंट अगर 3 दिन के लिए एडमिट है, तीनों 24 आवर चलेगा, तो इट इज गोइंग टू कैच फायर। हाउ अदरवाइज आप हर हफ्ते या रेगुलर सर्विस कराएं, या आपके पास 2 एसी हो, आप एसी को स्टैंड बाय में रखें, जब आप एक एसी को 24 घंटे चलाते रहेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो इट इज गोइंग टू जनरेट द हीट एंड इट इज गोइंग टू कैच फायर। लोगों को ट्रेनिंग की, देखिए मैं ट्रेनिंग को नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। मैं ये सबको कहता हूं, आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहूंगा, अगर आग लगती है तो आपने सबसे पहले बाहर निकल जाना है अपने परिजनों को लेकर और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर देना है। आप फायर फाइटिंग की कोशिश ना करें, क्योंकि फायर फाइटिंग करना आपके बस, ये ट्रेंड काम है। हमारा जवान जो है, 1-1 साल को हम ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद भी वो धीरे धीरे सीखता है, तो आपको फायर फाइटिंग नहीं करनी। बृहस्पति आपको उसको फायर डिपार्टमेंट को सही सलाह देनी है और उसको गाइड करना है। जैसे मैं कल भी कहीं कह रहा था कि क्या होता है जब हम जाते हैं, तो आजकल एक नया चलन चला, हर आदमी वीडियो बना रहता है, जहां आग लगती है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं लोग, वीडियो हम हॉर्न बजाते रहते हैं, उनका दिमाग वीडियो बनाने में होता है और शोर मच रहा होता है, उन्हें पता नहीं चलता पीछे है। कई बार ऐसा हुआ, हमारा आदमी बेचारा उतरा गाड़ी से, उनको हटाया कि भाई साहब हट जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए। तो ये ना करें, आपको सिर्फ 3 काम करने, आग लगी बाहर चले जाएं, अपने परिजनों को ले जाएं, फायर ब्रिगेड को तुरंत इन्फॉर्म करें और उनको सही गाइड कर दें, कितने आदमी अंदर रह गए हैं, क्या चीज है, क्या सामान है, और उनको रास्ता दे, तो जल्दी बचेंगे, हम जल्दी सेवा कर पाएंगे। सर एक आखिरी सवाल, कल रात को भी 2 जगह इंसिडेंट हुए हैं, चांदनी चौक और जी, क्या कहेंगे सर, क्या डिटेल है? नहीं, यस, एक फतेहपुरी में के पास आग लगी थी, वहां पे दुकानें जली और 17 गाड़ियां जो थी, सरस्वती मेडिकल बिहार है शायद, उसके आसपास कहीं था, उसमें आग लगी और गाड़ियां, तो ये तो फायर है। तो मैं इसमें कह रहा हूँ, इट विल इंक्रीज, फायर विल इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज गोइंग, फायर विल ऑल्सो इंक्रीज।